नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध अथ द्वितीयोध्याय दूसरा अध्याय आग्निद्र चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदि देव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निद्र के नारायण आग्निद्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था, वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्ज आदि स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलास पूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निद्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति क्रीड़ा चापल्य लज्जा एवं विनय युक्त चितवन सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु जर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदांध होकर भौंरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? मोहों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति को उत्प्रेक नारायण अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है?
कुमकुम मंडित कुछों की ओर लक्ष्य करके, द्विजवर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने ये लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तु में रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटा जूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं? अरे, यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, आग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्निद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नृपवर आग्निद्र ने उसके गर्भ से नाभि, केमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, उरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्निद्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया, जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं।
पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि नौ भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा उग्रदंशी लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववीति नाम की नौ कन्याओं से विवाह किया। नारायण 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 नारायण।